प्यार क्या होता है? कुछ लोगों के लिए प्यार मतलब सेक्स होता है, कुछ लोगों के लिए प्यार मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कुछ लोगों के लिए प्यार मतलब एक ऐसा एहसास जिसे पाने के बाद वो सभी लोगों को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर प्यार को ढूंढते मगर उनको प्यार मिलता नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्यार तो होता है लेकिन उनको उसकी कदर नहीं होती है। खैर, ये सीरीज कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और इसी वजह से उन्होंने ताजमहल का इस्तेमाल किया है। ताजमहल को बेसिकली हम इंडियंस हो या पूरी दुनिया में हो, लोग प्यार का प्रतीक मानते हैं या तो फिर प्यार का सिंबल मानते हैं। जैसे कि सबको मालूम है, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था ताजमहल, उनकी याद में ताजमहल बनाया था। तो बेसिकली आज हमारी औकात तो नहीं है कि ताजमहल हम अपनी मुमताज के लिए बनाए, लेकिन हम लोग प्यार की निशानी के तौर पर ताजमहल उन्हें गिफ्ट के तौर पर देते हैं और यही चलता आ रहा है। बहुत से लोग ये सब कर चुके, शायद आप लोगों में से भी किसी ने ये सब चीज किया होगा। खैर, ये सीरीज का नाम ताजमहल 1989 क्यों है? क्योंकि 1989 की कहानी है यहाँ पर, जहां पर लखनऊ में हमें हमारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के कैरेक्टर्स यानी कि अख्तर जी, उनकी वाइफ सरिता जी, मिश्रा जी, उनकी वाइफ मुमताज, अंगद, रश्मि, धर्म, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। और बेसिकली सीरीज की कहानी की बात करो तो कहानी सिंपल सी ये है कि ये जितने भी कैरेक्टर है, ये लोगों की सोच क्या है प्यार को लेकर, ये लोग के हिसाब से प्यार क्या है, और ये लोग अपनी लाइफ में डे टू डे क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी लाइफ में हर्डल्स है, बेसिकली वही सब कुछ यहाँ पर बताया। रियलिस्टिक वे में बताया कि आप जब ये सीरीज शुरू होती है तो कुछ ही देर में ये भूल जाते हो कि ये सीरीज है, कि वाकई में हम इनकी जिंदगी देख रहे हैं, ये सब चीजें देख रहे हैं, और आप लोग उनके दर्द को, उनके प्यार को, उनकी फीलिंग्स को महसूस कर पाते हो। ये इस सीरीज की सबसे पॉजिटिव पॉइंट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा इस सीरीज की जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टर्स का परफॉर्मेंस। नीरज कावी, गीतांजलि कुलकर्णी, दानिश हुसैन और शिवा चड्ढा, ये चारों को मैं स्पेशली मेंशन करूंगा कि इन चारों की वजह से सीरीज बहुत अच्छी लगती है। और ये चारों का जो किरदार है भाई, इतना लाजवाब है कि मैं इन चारों को, चारों से कनेक्ट हो गया था और मैं लोग की सीन सारे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और काफी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा यार एक्टर्स। वाकई में ये लोग कुछ ऐसे नगीने हैं जो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों को देखने मिल रहा है, क्योंकि फिल्मों में आपको पता है जो नॉन एक्टर्स होते हैं, जो नेपोटिज्म कह सकते हो या जो पैसे वाले हैं, जो गुड लुकिंग है, उन लोगों को लिया जाता है, लेकिन ये जो बेचारे डिसेंट लुकिंग होते हैं लेकिन इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं कि मतलब बड़े से बड़ा एक्टर इनके सामने पानी भर जाए, मजाक नहीं कर रहा। ये सीरीज अगर आपको देखनी है तो बस मैं जो तीन चीज बताया ना, राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग की वजह से जरूर देखना। और प्यार के बारे में आप लोगों की क्या सोच है वो आप लोग इस सीरीज में देखोगे तो शायद आपकी बदल जाए, या तो अगर आप लोगों को नहीं पता प्यार के बारे में तो वो सब कुछ यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये सीरीज वन ऑफ दी बेस्ट नेटफ्लिक्स पे इंडियन सीरीज है 2020 की। अब मैं मानता हूं नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो, ये ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हमें ऐसे छुपे हुए टैलेंट्स के बारे में पता चला जिसके बारे में हमें एक्चुअली नहीं मालूम है, और ये मैं बहुत ही अच्छी बात बोलूंगा उन लोगों के लिए जो इस तरीके की फिल्मी करियर में है, यानी कि जो लोग अपने एक्टिंग को बताना चाहते हैं। अब उनको इस तरीके के प्लेटफॉर्म मिल गए जहां पर वो अपने एक्टिंग को खुल के बता सकते हैं, और वाकई में बड़े बड़े एक्टर इनके सामने पानी भरते हैं। अगर आप लोग इनकी एक्टिंग एक बार देख लो, सीरीज पसंद आए ना, लेकिन जो रियलिस्टिक वे में जो एक्टिंग किया ना, ओ हो उसके आप लोग दीवाने हो जाओगे। तो बस मेरे हिसाब से इतना है कि ये सीरीज आप लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। कुछ भी ऐसी गंदी चीज मुझे इस सीरीज में नजर नहीं आई जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकूं। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज है, जैसे कि मैंने कहा, और आप लोग इसे देख सकते हो। तकरीबन 7 एपिसोड है, हर एक एपिसोड लगभग आधे घंटे के करीब आसपास ही है, तो कुल मिलाकर लगभग 4 घंटे की ये सीरीज है। ये हिंदी में भी है नेटफ्लिक्स पे, तो बस देखने है तो जरूर देखो। अब मैं आपको बताता ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो शायद आपको पता नहीं होंगे। जैसे कि ताजमहल की जो कीमत थी, अगर उस दौर में जिस कीमत में वो बना था, अगर आज जो हमारे इंडियन रुपीस है या जो डॉलर की कीमत है, तो उसमें अगर आंका जाए ना तो करीब हजारों करोड़ में कीमत आएगी। इतना पैसा कि अगर आपको मिल जाए ना तो आपकी पुश्ते खाएंगी, वो भी खत्म नहीं होगा। सोचो, शाहजहां ने उस टाइम पे इतना महंगा ताजमहल बनाया था, और यही वजह थी कि वो इस टाइम पे इतने पागल हो गए थे इसको बनाने के चक्कर में कि वो अपनी जो जनता थी उसको भी भूल गए थे, वो सारी अपनी पूंजी वहीं लगा रहे थे। तो इसी वजह से औरंगजेब ने उनको बंद कर दिया था और ताजमहल का काम चालू रखा था, लेकिन अब वो जितनी अमाउंट का पैसा वहां जा रहा था तो उन्होंने कटौती करके वो बाकी पैसा अपनी जनता पे लगाया, चाहे वो कोई भी रिलीजन की हो, तो उस पर लगाते थे। और ऐसा धीरे धीरे ताजमहल का काम भी चलता चलता रहता बन गया। और इसके रिलेटेड बहुत सारी अफवाह, जैसे कि मजदूरों के हाथ काट देना या ये सब चीजें, ये सब अफवाह है, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ रियलिटी होगा। खैर, ताजमहल के बारे में और अच्छी चीज बताओ तो ये बता दो कि ऑलमोस्ट पर डे कम से कम 10,000 से 12,000 टूरिस्ट लोग रोज ताजमहल जाते हैं। सोचो इससे हमारे कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता होगा, हमारे इंडिया के कितना फायदा है। प्लस ताजमहल की अगर हाइट मैं आपको बता दूं तो मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट
24 से 25 माले की बिल्डिंग की हाइट के लगभग ताजमहल है। और इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार, मतलब अगर गूगल में आप सर्च करोगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर लोग थे, जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने इंटेलिजेंट लोग थे उस दौर के, और इतना एक खूबसूरत चीज बनाया जो आज की तारीख में दुनिया में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। और कहीं ना कहीं ताजमहल हमारे इंडिया का एक ऐसा प्रतीक है जिसकी वजह से हमारा इंडिया भी जाना जाता है पूरी दुनिया में, तो हमें प्राउड फील होना चाहिए। मुझे तो बहुत प्राउड है, और मैं जिंदगी में बता रहा हूं मैं आज तक ताजमहल गया नहीं, लेकिन कभी ना कभी मैं सोचता हूं कि जरूर जाऊं। अगर आप लोग भी नहीं गए तो आप जरूर जाना, और आप लोगों ने सीरीज नहीं देखी तो आप लोग सीरीज जरूर देखते हैं जिसका नाम है ताजमहल 1989। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो जरा भी पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं हूं राशि शेख, आप सब अरहान एंटरटेनमेंट में, अपना प्यार बनाए रखिएगा, और टिल देन दुआ में याद रखना, बाय।